एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सेलू ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सैलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से करेंगे क्योंकि ग्राफ के अंदर आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चंपा एक सेल में जाती है, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदती है। उसकी सहेली ने पूछा, आपने कितने ना खरीदे हैं? तो वह जवाब देती है कि पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेगी, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन के लिए लाइन दी गई है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन दी गई है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्याओं की 4 गुनी से 4 कम है। तो हमें पैंट की संख्या निकालनी है और स्कर्ट की संख्या निकालनी है। तो हम मान लेते हैं इन दोनों को, माना पैंट की संख्या हमारे पास मान लेते हैं एक्स है, माना स्कर्ट की संख्या है हमारे पास ले लेते हैं वाई। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट मेरे पास है वाई, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई बराबर स्कर्ट की संख्या है वाई खरीदी गई पेंटों की संख्याओं की 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब होता है गुणा, यानी कि जो अपने पेंट ली है उसकी 2 गुनी है से 2 कम है, इसमें से 2 मैंने कम कर देनी है। अगली क्वेश्चन लेते हैं, स्कर्ट की संख्याएं यानी कि है मेरे पास वाई बराबर खरीदी गई पेंटों की संख्याओं की 4 गुनी है। गुनी का मतलब होता है गुणा, यानी कि 4 गुनी है से भी 4 कम है, तो इसमें से भी हम 4 कम कर दें। इक्वेशन पहली और दूसरी हमारे पास बन जाएगी। अब ग्राफ के लिए हम टेबल बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व। तो ये मेरे पास है वाई बराबर 2x माइनस का 2 है और वाई बराबर मेरे पास है 4x माइनस का 4 है। हमें x की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी x और y एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो 0 को 2 से गुणाऊंगा, 0 आएगा, 0 माइनस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2। एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 तो मेरे पास आ जाएगा 0। अगली वैल्यू लेते हैं हम 2, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 आएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 2। एक्स की वैल्यू लेते हैं 0, 0 को 4 से गुणा करूंगा 0 आएगा, 0 माइनस 4 तो ये माइनस का मेरे पास हो जाएगा 4। एक्स की वैल्यू लेते हैं 1, 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा, 4 माइनस 4 तो ये मेरे पास हो जाएगा 0। एक्स की वैल्यू लेते हैं 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 और 0, 1 और 0 आपके दोनों टेबल के अंदर हैं दोस्तों, यही है आपका आंसर। अब इसका अब हमें बनाना है ग्राफ, यानी कि पेंटों की संख्या हमारे पास आई है एक्स और स्कर्ट की संख्या हमारे पास आई है 0, यानी कि उसने सिर्फ एक ही पेंट खरीदी है, स्कर्ट उसने नहीं खरीदी है। इसको बनाते हैं हम इसका ग्राफ। हमारे पास x की वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास -4 से +4 तक है, इसलिए मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ। तो अगर बात करें, हम यहाँ ले लेते हैं ओरिजिन,
तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ओरिजिन है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास वाई है और हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई डैश, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -3 -4। सबसे पहले पहले टेबल को लेते हैं, पहले टेबल में हमारे पास है 0 -2, एक्स 0 मेरा इस लाइन पे होगा, वाई -2 मेरे पास होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 0, -2। अगला पॉइंट हमारे पास है 1 और 0, एक्स 1 वाई 0 मेरा होगा यहाँ पर, तो लिखते हैं 1 और 0। अगला पॉइंट हमारे पास है 2 और 2, एक्स भी 2 और वाई भी 2, ये मेरे पास यहाँ पर है, तो इस लाइन को हम कर देते हैं ड्रॉ। लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, इस लाइन के ऊपर लिख देंगे इक्वेशन, हमारे पास आई है y = 2x - 2। फिर हमें अगले टेबल के ऊपर जाना है, अगले टेबल की हमारे पास वैल्यू है 0 - 4, एक्स 0 वाई -4, तो ये मेरा आएगा यहाँ पर 0, -4। अगली वैल्यू है 1, 0 हमारे पास पहले ही आ चुकी है, फिर हमारे पास है 2 और 4, एक्स का 2 वाई का 4 आएगा ये मेरा यहाँ पर, हमें इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, तो हमारा आंसर दो लाइनों में जो कट करेगा वही होगा। चलो दोस्तों इसको रख देते हैं और हम इस पे 2, 4 है यहाँ पर कट कराएं, यानी कि आपने पेंट ली है 1, जहाँ पर एक्स की वैल्यू आई है 1, वाई की वैल्यू आई है 0, यानी कि आपने पेंट ली है 1 और स्कर्ट ली है 0, यानी कि आपने सिर्फ एक ही पेंट ली है, स्कर्ट नहीं खरीदी। दोस्तों यही है आपका उत्तर।